हाय गाइस, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ आप सभी अच्छे होगे और अच्छे ही बने रहिए। आज है 29 नवंबर, सुबह के 9:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैं जा रहा हूँ बरेली, क्योंकि मेरे लिए एक काम है। जो काम है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लास्ट तक बने रहिए। बस घर से निकलने जा रहा हूँ, 9:30 बज चुके हैं और 11 बजे तक मुझे पहुँचना है। चलिए मिलते हैं आगे और ब्लॉग में, लास्ट तक इंजॉय करते रहिए। सिंगल कोर हो गई, अब डबल कोर करने के लिए 10 mm की है। अपने यहाँ ज़्यादातर लोग 6 mm की केबल डालते हैं घरों में, इतना लोड नहीं होता। ये कौन सी चीज है ना? ये उसके लिए है कि जो तार आपस में शॉर्ट ना हो, हीट होकर ना गर्म होकर तार, ये पाउडर है एक तरीके से, बहुत मतलब उसको छू सकते हैं, बहुत सॉफ्ट पाउडर है। जो कैरम बोर्ड में डालते हैं ना, वो गोटी वोटियाँ फिसलने के लिए, वो वाला पाउडर ही है। देखो जो मोटी केबल होगी तो यहाँ पर लेयर चढ़ ली है, उसको गेज के अकॉर्डिंग हम इसकी स्लिप चढ़ा देते हैं। इसको पीवीसी ये वो वाली है, बिजली वाली। इसको ठंडा कर रहा है, इसमें बैग में डाल, पानी चल रहा है, पानी साफ चला जाएगा और वहाँ पे ये लोग कॉइल बना देते हैं। ये वो वाली है जो घरों में पावर, घर में यूज कर सकते हैं। 10 mm की हम लोग, 6 mm की यूज करते हैं। अब ज्यादा लोड तो आज हम जिस फैक्ट्री के अंदर गए थे, उस फैक्ट्री में वायर्स वगैरह बनाए जाते हैं। जो वायर हमारे घरों में यूज होता है वो वायर्स वगैरह बनाए जाते हैं। बाकी जो ट्रांसफार्मर के साथ साथ जो भी एसेसरीज वगैरह लगती है, उन एसेसरीज को सेटअप किया जाता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जो सेटअप बनाए जाते हैं बिजली के लिए, उन सभी का सेटअप वहाँ पर तैयार किया जाता है। तो गाइस, ये सामने आप देख रहे हैं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, यहाँ से मैंने ITI वगैरह करी थी। जो मेरे ITI मैंने की थी तो यहाँ से करी थी, यहीं से YouTube का ख्याल सबसे पहले मेरे दिमाग में आया था। पता नहीं अंदर जाने देंगे नहीं जाने देंगे, वरना अंदर जाके आपको दिखा देता अंदर से कैसी है। अंदर बहुत सारी मशीनें वगैरह हैं, मशीनें वगैरह चलाने को मिलती हैं। भूख लगी थी इसलिए डोमिनोज पिज्जा पे एक पिज्जा मैंने खा लिया है। अब थोड़ी भूख से आराम पा रहा हूँ, घर की तरफ जाऊँगा। अभी बज रहा है लगभग 2-3 बजे तक घर पे पहुँच जाऊँगा। चलिए घर की तरफ चलते हैं। तो गाइज, आई होप ये ब्लॉग आपके लिए अच्छा लगा होगा आज वाला, क्योंकि आज आपने फैक्ट्री वगैरह देखी होगी कि कैसे वायर्स बनाए जाते हैं, कैसे काम किया जाता है फैक्ट्रियों के अंदर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छा लगा हो। और बाकी आपको कोई भी डाउट वगैरह रहता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। बाकी ब्लॉग का आपके लिए कौन सा पार्ट अच्छा लगा आप जरूर बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।